गुरुजी को सादर प्रणाम। सभी भाई बहन यूट्यूब के, उनको भी सादर प्रणाम। हम जौनपुर से हैं, जौनपुर के गांव से हैं। गुरुजी के पास हम बहुत गुरुजी के नियमों से। अच्छा, ये बताइए आप कितने वर्ष से हमको देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? लगभग हमको गुरुजी से 3 साल से इनसे फॉलो कर रहे हैं, इनको इनके नियमों को। तो उनसे कुछ शारीरिक और मानसिक रूप से आप कैसा महसूस करते हैं, जो चीज़ें आप देखते हैं या सुनते हैं हमसे या डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप पे, तो कैसा लगा उस गाइडलाइन को फॉलो करके अब तक? हमको अच्छा लगा, वो प्रकृति से लगभग जुड़ा है जी, और साधना में सफलता के लिए जी। तो हम तो अपना स्थान भी नहीं बताते हैं किसी को, हम कौन सी जगह भारत के अंदर या कौन से तीर्थ में रहते हैं, हम कौन सी गुफा में हैं, कौन सी कुटिया में हैं, बताते नहीं हैं। फिर भी आपकी हिम्मत कैसे पड़ी हम तक पहुंचने के लिए, भरोसा कैसे हुआ आपके लिए, क्या चीज़ आपने ऐसे देखी हमारी व्यक्तित्व में या हमारी वाणी में या वीडियोस में, जिनसे आपको महसूस हुआ कि गुरुजी भरोसे करने योग्य हैं और हम इनके पास में जाके ट्रीटमेंट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जी? अपना अपना फीलिंग बताइए, कैसे महसूस किया आपने जो है कि गुरुजी का तो लोकेशन भी क्लियर नहीं होता है, बताते नहीं हैं, तो काफ़ी दिन आपको प्रतीक्षा भी करनी पड़ी जी, लेकिन भरोसा कैसे हुआ, ऐसा क्या देखा आपने जो है वीडियोस के अंदर? भरोसा हुआ कि गुरुजी ने कुछ वीडियो बनाया और उसमें हमने उसको प्रैक्टिकल किया और उसका अनुभव हुआ जी। तो हाँ, एकदम निसंकोच बोलिए, निर्भय होके, इसमें हेजिटेशन, हम जानते हैं कि कैमरा पे सभी लोग नहीं बोलने का अभ्यास होता है, लेकिन फिर भी आप भोजपुरी अंदाज में बोल दीजिए थोड़ा, ताकि हमारे जो इलाहाबाद के और बनारस के आसपास के जो प्रेमी लोग हैं उनको लगे हाँ ये भोजपुरी ही छोरा है। थोड़ा बोल दीजिए, शर्मा मत, सर। लेकिन ये जोखिम कैसे लिया? जोखिम का मतलब है कि गुरुजी जो हैं एकदम छुपे रुस्तम की तरह रहते हैं, तो उसके लिए आपको कैसे हिम्मत और प्रेरणा आई, भरोसा कैसे बना कि गुरुजी से हमें मिलना ही चाहिए जो है, तभी जा कर के हम सही से ट्रीटमेंट ले पाएंगे, ये कैसे भरोसा हुआ, कौन सी बात ऐसे दिमाग में आई बताएं? अभी बंद है चल, सोच के बोलो, कोई इसमें संकोच नहीं हमें, क्योंकि आपका गुरु भी ये डर और शर्मा के बात नहीं कहता है, तो अब चाहे कैमरा चालू है या बंद है आप बोल दिए मन की सोच, माने हम तक पहुंचने की आपके लिए प्रेरणा और विश्वास कैसे पैदा हुआ, या 3 साल से लगातार हमको देख रहे हो इस वजह से विश्वास हुआ, ऐसा भी हो सकता है, नज़र बनाए हुए हो हमारे ऊपर, है ना जी? यही तो है जी। चलो यूट्यूब के दर्शकों, ये पहली बार कैमरे पे आए तो थोड़ा सा नर्वस हो रहे हैं। अच्छा, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे ये बताइए, मैंने आपको कोई लोकेशन लिख करके तो नहीं दिया व्हाट्सएप पे, और आपको हैंडल किया मैंने, हैंडल करने का मतलब है मैं टच में रहा आपके कि नहीं रहा, बताइए, तभी तो आप हम तक पहुँचे हैं जी। कोई मैंने लिखित में तो नहीं बताया फला जगह पहुँचना है, ये करना है, वो करना है, बताइए। आप टच में थे, आपकी टच मतलब आपकी टच की वजह से हम आए। तो दर्शकों, कहने का अर्थ ये है कि ये जो बच्चा है, आप जानते ही हैं कि सबकी हिम्मत नहीं पड़ती है, अभ्यास नहीं होता है यूट्यूब पे बोलने बतलाने का, समझ सकते हैं आप इनकी सिचुएशन को देख के, और कोई मजाक मत बनाना क्योंकि तुम भी किसी दिन कैमरे पे आ गए तुम भी ऐसे ही बैठ जाओगे, समझ गए, साइलेंट होकर के। तो इनका विश्वास है और ये मेरा भाग्य है कि कुछ जीवात्माओं के अंदर, चूंकि मैं एक कर्मठी और एक मन में
किसी प्रकार की किसी व्यक्ति के लिए फ्रॉड करने की भावना 1% भी मन में नहीं रहती है। और मैं जितना भी धन एकत्रित जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए नहीं, अपने लिए तो मैं किसी गांव में बैठ जाऊँ ना, अंग्रेजी पढ़ाने लगूँ, लड़के लड़कियों को कोचिंग देने लगूँ मात्र 100 रुपये कम करके, तो 10 से 20 हज़ार रुपये मैं एकदम बैठे बैठे कमाऊँगा बैठे ही बैठे। कसी फावड़ा खेतों में कर चलाने का अभ्यास नहीं, बचपन से ब्रह्मचारी जीवन से हमने साधना किया, पुस्तकों की पढ़ाई किया है और लोगों से संवाद स्थापित किया है, या जिसे सत्संग आप कहते हो वो किया है, इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं किया है। तो ये जितना भी चाहे योग के माध्यम से जो हम धन अर्जित कर रहे हैं या औषधियों के माध्यम से कर रहे हैं या किसी को हम गाइडलाइन देते हैं, पर्सनल काउंसलिंग देते हैं, तो जो हम लेते हैं तो सब अपने ऊपर खर्चा नहीं हो रहा है, वो एकत्रित कर रहे हैं। बेटा चिंता मत करिए, आज देखो कैसी हालत है गुरु की, एकदम सूखे साके से हैं। साले गुरु जो होंगे वो खूब माल पानी खाएंगे, ये करेंगे, उनका शरीर एकदम पेट धुंधला जाता है, समझ रहे हैं? उनको उनको चलने में भी दिक्कत होती है, सोच करने जाते हैं तो उनको पिछवाड़ा धोने में भी इतने मोटे होते हैं, पेट आके लटक जाता है कि वो हाथ भी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। और हम देखो कितना सूखा साका बॉडी है, एकदम तपा दिए हैं शरीर के लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य इस धरती पे आया हूँ तो कुछ बड़ा करके जाऊँगा, सीधी सी बात है। और समाज बड़ा करने का मतलब समाज के लिए बड़ा, ये नहीं ये साले 50 गाड़ियों का काफिला लेके तुम्हारे जो पाखंडी गुरु घूम रहे हैं, कोई मुसलमान के नाम पे मौलाना वो इकट्ठा करता घूम रहा है, राजनीतिक कर रहा है, कोई हिंदुओं का मसीहा बन गया है। मैं समाज के लिए कुछ ऐसे स्टेप लूँगा जो सबके लिए कल्याणकारी होंगे, जैसे ऐसे डॉक्टर काम करता है। अब डॉक्टर के पास में अगर हिंदू डॉक्टर के पास मुसलमान दवा लेने जाए तो उसे नहीं देना चाहिए क्या? उसे साले को जहर का इंजेक्शन लगा देना चाहिए क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं इसी तरह का गुरु हूँ, मैं एक गुरु बन के काम करूँगा। हिंदू की गलती होगी हिंदू को 50 गालियाँ दूंगा, साला मुसलमान की होगी उसको भी 50 नहीं तो 40 तो दूंगा ही, और हो सकता है 60 दे दूँ, समझ रहे? जो गलत है उसके लिए मैं अनुशासन में बनाए रखना चाहता हूँ, और ये कि योगी का काम यही होता है, समझ रहे हैं? तो इम्प्रूवमेंट करना है समाज के अंदर, वो हम कैसे करेंगे? गुरुकुल की इच्छा है। हमारे कुछ मुसलमान अच्छे लड़के मिलने वाले कह रहे थे गुरुजी केवल हिंदुओं के लिए गुरुकुल मत खोलना, तो मैंने कहा चिंता मत करिए, जो भी हमारे अस्पताल में भर्ती होगा लेकिन अस्पताल के नियम को जैसे फॉलो करना होता है ऐसे गुरुकुल के नियम को फॉलो करके रहना होगा, किसी भी जाति धर्म का आ जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों लवकुश जी, ये सही है या गलत है बताएं? ये सही है गुरुजी, आप बताइए। क्या अगर हम जैसे मैं अरबी सीखना चाहता हूँ तो मुझे किसी मुसलमान से जुड़ना पड़ेगा नहीं जो उस चीज़ का जानकार होगा अरबी को पढ़ाने में, तो मुझे उनके हिसाब से जो है कुछ कार्य भी अनुशासन भी मानना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई हमारे गुरुकुल में आके संस्कृत पढ़ना चाहता है, वेदों का ज्ञान लेना चाहता है, योग सीखना चाहता है ना, तो उसमें कोई भी आ जाए उसमें भेदभाव क्यों? क्योंकि पहले जो अपने नालंदा और तक्षशिला विद्यालय से थे इसमें विदेशों से भी लोग पढ़ने आते थे। आज भी जो बनारस के अंदर जो BHU है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है, उसके अंदर भी विदेशों से, नाइजीरिया से, जाने कहाँ कहाँ से लड़के लड़कियाँ पढ़ने आते हैं। तो इतना संकीर्ण नहीं होना चाहिए गुरु का दृष्टिकोण। समाज का सुधार तो तभी बनेगा, और नहीं तो या तो हम BJP के कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे या कांग्रेस के चमचे बन के रह जाएंगे, जो कि हमारी आदत में नहीं है जी। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि आज मैंने सुना है कि BJP के कार्यकाल में गाय का मांस ज़्यादा बढ़ा है, गोतस माने उसका बीफ में निर्यात जो है BJP ही ज़्यादा कर रही है, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं विश्व स्तर पे, यहाँ से ही मांस ज़्यादा जा रहा है विदेशों में, पिछली सरकारों की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है। तो अब क्या कहें, ये साले कोई भी दूध के धुले हुए नहीं है, सब कुर्सी से ऐसे चिपक के बैठ जाते हैं जैसे फेविकोल से चिपक जाती है कोई चीज़, और कितने एटीट्यूड में चलते हैं, सूट बूट पहन करके हाथ हिलाते हैं, साले कितने बड़े जमींदार के बच्चे हों जन्म से। हेलो, ये जनता की दी हुई कुर्सी भीख में मिला है इनको,
और जनता कभी भी भीख देना बंद कर देगी तो मैं खुल के कहता हूँ, इस बीजेपी सरकार के जो भी मुखिया लोग हैं ये जल्दी जल्दी राष्ट्र हित में कुछ काम करें। सालों जिंदगी का पता नहीं कब मर गए ना, तो फिर जो है तबाही शुरू हो जाएगी। और वैसे भी कितना षड्यंत्र चल रहा है भारत के खिलाफ जो चल रहा है, कितने देशद्रोही ताकतें यहाँ पे काम कर रही हैं, समझ रहे हो ना? ये साले कुत्ते समझते नहीं हैं तुम्हारे देश के, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कुत्ते हों, चाहे बीजेपी के अंधभगत हों, चाहे कांग्रेस के चमचे हों, ये साले अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए जाति को जाति से लड़वा रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से लड़वा रहे हैं। नीचे स्तर पे हिंदू मुस्लिम करते हैं ये बीजेपी वाले, और इनकी बड़े बड़े आरएसएस वालों की लौंडियाँ जो हैं, जो लड़कियां हैं, वो मुसलमानों के घर में हमको तुमको लड़वाने का काम करता है। ये कौन सी इनकी बीजेपी वालों की राजनीति है जी? गूगल कर लो 50। एक तो वो शहनवाज हुसैन है, एक मुख्तार अब्बास नकवी है, उसके घर में है, लाल कृष्ण आडवाणी की भतीजी और लड़की भी मुसलमान के यहाँ पर है, और ये साले फिर हिंदू मुस्लिम करते हैं इनकी माँ का लक्कड़। इसी में मैं दुष्ट हूँ, इसी किसी साले पार्टी का मैं नहीं सपोर्ट लेता हूँ। आज अगर मैं किसी भी पार्टी का अगर सपोर्ट करने लगूँ ना, तो ऐसे बागेश्वर जैसे काफिले 20 साल पहले ही खड़े कर देता मैं, समझ रहे हो? लेकिन हम ऐसे गुरुओं के चेला हैं जो कहते हैं आवारा कुत्ते पे भरोसा कर लेना, इन साले नेताओं पे भरोसा मत करना। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। यूट्यूब के दर्शकों से कहना चाहूँगा, मेरा एड्रेस तभी मैं खोलूँगा जिस दिन कोई बड़ा संस्था बनाऊँगा और बड़ी ज़मीन खरीद लूँगा, जिस पे मैं गुरुकुल और योग केंद्र का प्राकृतिक चिकित्सा का निर्माण करूँगा जब बड़े लेवल पे। तो थोड़ा इंतज़ार करो दर्शकों, फिर आपका सहयोग भी लेंगे और खुल के कहेंगे कि हमने 1 करोड़ की ज़मीन खरीद ली है, 50 लाख की खरीद ली है, अब तुम 10-10 हज़ार मेरे जो दर्शक हैं, 5-5 हज़ार जिसकी जैसी सामर्थ्य है, यहाँ पर आओ और देखो कार्य चल रहा है। लेकिन फिलहाल मैंने कोई ज़मीन नहीं खरीदी है अभी गुरुकुल के लिए, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो इसमें आपकी ज़रूरत फिर पड़ेगी हमारे लिए। और इन्हीं शब्दों के साथ में, आप जानते हैं कि हम देश के खिलाफ जब कोई चलता है, आडंबर करता है साला, चाहे पार्टी का आदमी हो चाहे कोई बाबा हो, तो लगता है इन सालों के जूते जूते मारे जो है भारत का सत्यानाश कर दिया इनकी माँ का लक्कड़। ओम शांति, ओम क्रांति।